नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टर्म हॉर्टिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। उसके बाद आता है द साइंस ऑफ ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्नामेंट्स प्लांट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। अब आप पूछेंगे हॉर्टिकल्चर होता क्या है, तो हॉर्टिकल्चर इज साइंस जिसमें हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल ऑर्नामेंट और प्लांट्स और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए ये सब के बारे में पढ़ते हैं, उसका जो प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। तो देखिए हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का अलग अलग ब्रांच है, पोमोलॉजी हो गया, लेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। तो देखते हैं उसी में द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो जो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। उसके बाद है द टर्म पोमोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम, तो पोमोलॉजी है किससे ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स क्रॉप। तो साइंस है जो वेजिटेबल क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरिकल्चर। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो जो साइंस है जिसमें हम लोग फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है ए मेथड बाय विच फूड इज केप्ट आउट फ्रॉम स्पॉयलेज आफ्टर हार्वेस्ट। अब मान लीजिए आपने कोई फूड को हार्वेस्ट किया, अब उसको खराब नहीं होने देना है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो ये मेथड को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है फ्रूट्स एक्सपीरियंसिंग सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्लिमेट्रिक फ्रूट। अब देखिए दोस्तों, देखो क्लिमेट्रिक और नॉन क्लिमेट्रिक इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ क्लिमेट्रिक फ्रूट क्या होता है। जैसे मान लिया जाए आपने कुछ फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया पेड़ से, लेकिन पेड़ से जब वो हार्वेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, आपका फिर भी राइप होगा, राइपनिंग प्रोसेस वो उसका जारी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं। नॉन क्लिमेट्रिक क्या होता है, अगर आपसे आपने पेड़ से उसको तोड़ा तो वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो राइपनिंग फर्दर राइपनिंग प्रोसेस नहीं होगा उसका। तो इसी में देखिए क्या, फ्रूट एक्सपीरियंस सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, क्या क्लिमेट्रिक फ्रूट। अब क्या है, मैंगो बनाना गुआवा पपाया जैक फ्रूट सपोता एप्पल आर नोन एज क्लिमेट्रिक फ्रूट। नेक्स्ट है फ्रूट एक्सपीरियंस सिंपल ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। अब मान लिया जाए अगर वो आपने तोड़ा और वो उसका जो रिस्पायरेशन रेशियो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, तो वो पकना छोड़ देगा और डिटोरिएट होने लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। नेक्स्ट है लीची लेमन सिट्रस ग्रेप्स बेर पाइनएप्पल आर नोन एज, तो ये सब क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इसको आप ज़्यादा तक आप रखने से पाओगे तुरंत खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन कंट्रोल्स द शेप ऑफ प्लांट। तो शेप ऑफ प्लांट, अब मान लीजिए कोई प्लांट है वो उसका शेप बिगड़ रहा है, आपको उसका शेप देना है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्टेम है वो अगर मान लीजिए पेड़ कहीं से मतलब अनशेप जैसा हो रहा है तो उसको हम लोग कटिंग करते हैं और शेप में लाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल फ्रूट्स, तो क्या है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एनी एक्सेस और अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस शूट्स और एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। अब देखिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग में डिफरेंस क्या है, मान लिया जाए एक पेड़ है उसका आप देख रहे हो बहुत ही मतलब सही उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही कभी इसका स्टेम एक इधर बाहर ज़्यादा हुआ, लीफ ज़्यादा है, मतलब वो स्ट्रक्चर नहीं है, उसको आपको सुंदर बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसका कटिंग करोगे। प्रूनिंग में क्या होता है, आप इस तरह से कटिंग करोगे कि उसका ग्रोथ हो, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो उसका, इसलिए हम लोग प्रूनिंग करते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग बैक एंड थिनिंग आउट आर एसोसिएटेड विथ, तो ये क्या है, प्रूनिंग। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन पिट साइज फॉर फ्रूट प्लांटिंग, तो 1 x 1 x 1 मीटर। द सिंपल सिस्टम फ्रूट प्लांटिंग, अब देखिए फ्रूट प्लांटिंग का बहुत सारा सिस्टम होता है, स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल क्विनकॉक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर सिस्टम। द सिंपल जो है सबसे सिंपल वो है स्क्वायर। उसके बाद है इन विच प्लांटिंग सिस्टम अ ट्री इज प्लांटेड ऑन अ कॉर्नर ऑफ ईच एंगल, तो ये जैसे आपको पता है ट्राइंगल। उसके बाद द फिलर ट्री टेक्नोलॉजी, तो इसका क्या हो जाएगा, क्विनकंक्स सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक स्क्वायर सिस्टम होता है, स्क्वायर सिस्टम हो गया, अब स्क्वायर के बीच में एक पाँचवा जो स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार प्लांट अलग अलग चार कॉर्नर पर, अब एक बीच में एक फिलर प्लांट हम लोग लगा देंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्विनकंक्स सिस्टम। नेक्स्ट है अब प्रूनिंग प्रोसेस इन विच अ सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क मेजरिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर लेंथ इज रिमूव, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग गर्डलिंग। नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज द हाइएस्ट विटामिन ए, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैंगो में। नेक्स्ट विच ग्राफ्टिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द प्लांट, तो हम लोग कौन सा ग्राफ्टिंग को यूज करते हैं रिपेयर प्लांट करने के लिए, तो वो है ब्रिज ग्राफ्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग अब कल्टिवेशन ऑफ मैंगो का, मैंगो के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखते हैं मैंगो इज ऑल्सो नोन एज, तो मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, नेशनल फ्रूट बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं।
उसके बाद है बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंजी फेरा इंडिका। और मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो एनाकार्डेसिए में इसे बिलोंग करता है। ऑरिजिन कहाँ है मैंगो का, तो वो है इंडो बर्मा रीजन। उसके बाद है लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर मैंगो, तो किसके पास है, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ मैंगो, तो क्या हो जाएगा, वेनर ग्राफ्टिंग। उसके बाद नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस मैंगो क्या होना चाहिए, 10 x 10 मीटर। उसके बाद जो हाईएस्ट हाई डेंसिटी प्लांटिंग है जो आम्रपाली है, 2.5 मीटर x 2.5 मीटर है, तो इसको किस में किया जाता है, कौन सा वेरायटी में, मतलब जो हाईएस्ट डेंसिटी आता है वो है आम्रपाली। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वेरायटी ऑफ इंडिया ये कौन सा हो जाएगा, अल्फांसो। जानते हैं अल्फांसो बहुत ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बाद है स्वीटेस्ट वेरायटी ऑफ मैंगो, स्वीटेस्ट वेरायटी कौन सा हो गया, चौसा। उसके बाद है रेगुलर बियरर वेराइटीज ऑफ मैंगो, तो कौन सा हो जाएगा, रत्ना, नीलम, हिमसागर, गुलाब खास, परितन, तोतापरी, पेरियन तोतापरी। उसके बाद है सीडलेस वेरायटी ऑफ मैंगो, तो जो सा वैसा मैंगो जिसमें सीडलेस नहीं होता, सीड नहीं होता है, तो क्या है, सिंधु। उसके बाद है मल्लिका इज ए क्रॉस ऑफ, तो मल्लिका किस में क्रॉस हुआ था, वो नीलम और दशहरी का क्रॉस है। उसके बाद है आम्रपाली इज ए क्रॉस ऑफ, आम्रपाली किसका क्रॉस है, दशहरी नीलम। अब देखिए दोस्तों आम्रपाली का जो ये क्रॉस है एकदम ईजी है याद करने का तरीका, आप देख लो DNA, D फॉर दशहरी, N फॉर नीलम, A फॉर आम्रपाली, तो DNA सीक्वेंस से आपको याद रहेगा, दशहरी नीलम आम्रपाली। नेक्स्ट है रत्ना इज अ क्रॉस ऑफ, तो रत्ना किसका क्रॉस है, नीलम अल्फांजो का क्रॉस है। सिंधु इज अ क्रॉस ऑफ, सिंधु किसका क्रॉस है, रत्ना और अल्फांजो का। उसके बाद है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फ्लावर इंडक्शन, तो इसका क्या बोलते हैं, पैक्लोब्यूट्राजोल। नेक्स्ट है द पोलिनेटर ऑफ मैंगोइज, तो मैंगो का पोलिनेटर कौन सा होता है, हाउस फ्लाई। उसके बाद है बियरिंग हैबिट ऑफ मैंगोइज, इसका हो जाएगा टर्मिनल। नेक्स्ट है फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो इज कंट्रोल्ड बाय, जो फ्रूट ड्रॉप होता है मैंगो में इसको हम लोग किससे कंट्रोल करते हैं, 2,4-D से। नेक्स्ट है मैंगो मालफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो NAAA से। उसके बाद है स्पॉन्जी टिश्यू इज ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, कन्वेक्शन हर्ट से, हीट से। उसके बाद है इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस, जो इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस है किसके कारण होता है, बोरोन डिफिशियंसी के कारण। अब चलिए हम गुआवा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द बोटेनिकल नेम ऑफ गुआवा क्या हो जाएगा, सीडियम गुआजावा। द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ गुआवा कितना हो जाएगा, 10 x 10 मीटर। उसके बाद है द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ गुआवा, तो क्या हो जाएगा, एयर लेयरिंग। उसके बाद है विच गुआवा वेराइटीज उन्होंने सरदार, तो कौन सा गुआवा वेरायटी को हम लोग सरदार बोलते हैं, तो वो हो जाएगा लखनऊ। उसके बाद है ड्यूअल पर्पस वेरायटी ऑफ गुआवा, तो ये क्या हो जाएगा, ललित। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक वेरायटी ऑफ गुआवा, तो इसका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद राउंड। उसके बाद है कोहिर सफ़ेद इज अ क्रॉस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, कोहिर क्रॉस अलाहाबाद सफ़ेदा। नेक्स्ट है सफ़ेद जाम इज अ क्रॉस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, AS × कोहिर। उसके बाद है द फ्रूटनिंग टाइम ऑफ मृग बहार, तो इसका मृग बहार का फ्रूटनिंग टाइम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा नवंबर से जनवरी। अब जानते हैं पपाया के बारे में, ऑरिजिन ऑफ पपाया कहाँ हुआ था, ट्रॉपिकल अमेरिका में। यह क्या, येलो पिगमेंट इन पपाया किसके कारण होता है, कैरिकैक्सेंथिन में, कैरिकैक्सेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ पपाया, जो कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है पपाया का, उसमें सीड कितना होता है, 500 ग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है प्लांटिंग स्पेस ऑफ पपाया, तो प्लांटिंग स्पेस पपाया कितना है, 2 m × 2 m। नेक्स्ट है बेस्ट सुटेड वेरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ पपाया, तो इसका क्या हो जाएगा, पूसा नन्हा, 1.25 m × 1.25 m। नेक्स्ट है हाइएस्ट पेपेन यील्डिंग वेरायटी, तो क्या हो जाएगा, पूजा पूजा मेजेस्टी। नेक्स्ट है पूसा डिलीसियस पूजा मेजेस्टी CO3 एंड कुर्ग हनी ड्रीवार, तो ये क्या हो जाएगा, गाइनोडिसियस वेराइटीज। नेक्स्ट है द सीरियस डिजीज ऑफ पपाया, तो डैम्पिंग ऑफ इसका बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं द फ्रूटिंग टाइम ऑफ पपाया क्या हो जाएगा, फरवरी 2 जून। नेक्स्ट है द केमिकल यूज फॉर बेटर कलर एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ पपिन, तो इसको क्या हो जाएगा, पोटासियम मेटा बाइसल्फाइट। नेक्स्ट है इंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया क्या हो जाएगा, पेप्सिन जो रहता है, ड्राई लेटेक्स ऑफ पपाया में जो इंजाइम प्रेजेंट होता है आपने देखा होगा, वो क्या रहेगा, पेप्सिन। नेक्स्ट है पूसा डॉर्फ, पूसा नन्ना एंड पूसा जायंट और नेचुरली, तो क्या होता है, डिसीडियस टैडिसियस। नेक्स्ट है पोमीग्रेनेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, द बोटेनिकल नेम ऑफ पोमीग्रेनेट, तो क्या हो जाएगा, पुनिका ग्रेंटम। द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस, जो नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस होता है इसमें कितना है, 6 x 6 m। उसके बाद है कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या हो जाएगा, इसका एयर लेयरिंग। उसके बाद है हाइब्रिड वेरायटी ऑफ पोमीग्रेनेट, हाइब्रिड वेरायटी पोमीग्रेनेट का कौन सा हो जाएगा, अम्ली दाना। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलर वेरायटी, तो क्या हो जाएगा, गणेश एंड धोलका। उसके बाद है फ्रूट क्रैकिंग इज मोस्ट प्रोबेबल इन, तो किसमें हो जाएगा, मृग बहार सीजन में। अब देखते हैं हम लोग सिट्रस फ्रूट के बारे में, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप देखना। द बोटेनिकल नेम ऑफ एसिड लाइम, तो क्या हो जाएगा, सिट्रस ऑरेंटी फोलिया। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट फ्रूट इज, तो ग्रेप फ्रूट हो जाएगा।
नेक्स्ट है द बोटेनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंजेस, तो इसका क्या हो जाएगा सिट्रस सिनेसिस। नेक्स्ट है विच सिट्रस स्पीसीज इज नोन एज फैंसी फ्रूट, तो इसको किसको बोलते हैं सी रेटिकुलेट को। उसके बाद है थॉर्नलेस स्पीसीज ऑफ सिट्रस, तो क्या है तहिती लाइम। उसके बाद है मोनो एम्ब्रॉयिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस, तो क्या हो जाएगा पोमेलो। नेक्स्ट है पोली एम्ब्रॉयिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस, तो क्या हो जाएगा एसिड लाइम। हम नेक्स्ट देखते हैं विच स्पीसीज ऑफ सिट्रस प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट, तो क्या हो जाएगा तहिती लाइम। नेक्स्ट है द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ सिट्रस, तो 5.6 से हो जाएगा 5.6 मीटर। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड, क्या हो जाएगा सीड एंड बडिंग। नेक्स्ट देखते हैं रूट स्टॉक ऑफ मैंडेरियन ऑरेंजेस, जो रूट स्टॉक होता है मैंडेरियन ऑरेंज को उसको हम क्या बोलते हैं रंगपुर लाइम। बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन ऑफ सिट्रस रिंग मेथड। किन्नो इज अ क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में क्रॉस है किन्नो, तो वो है किंग इंटू विलो लीफ। नेक्स्ट है सीडलेस वेरायटी ऑरेंज, सीडलेस वेरायटी ऑफ मैंडेरियन ऑरेंज कौन सा हो जाएगा सत्सुमा। उसके बाद है लखनऊ सीडलेस इज अ वेरायटी ऑफ, तो लखनऊ सीडलेस जो है किसका वेरायटी है वो है लेमन का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बनाना का, तो बनाना इज कॉमनली नोन एज, तो इसको बनाना को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं एडम्स फिग और ट्री ऑफ पैराडाइज। उसके बाद नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ बनाना कितना होता है 1.82 मीटर इंटू 1.8 से 2 मीटर तक। उसके बाद है कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेथड, कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेथड क्या होता है इसका शॉर्ट सकर्स होता है। उसके बाद है बनाना इन्फ्लोरसेंस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पैडिक्स। नेक्स्ट बेस्ट वेरायटी फॉर चिप्स मेकिंग क्या है नरेंद्रन। नेक्स्ट है गोल्ड फिंगर इज अ क्या हो जाएगा हाइब्रिड बनाना। हाउ मच शुगर कंटेंट इन राइप बनाना, तो 26% होता है राइप बनाना में शुगर कंटेंट। उसके बाद है डिग्रेडिंग ऑफ बनाना इज डन बाय, तो किसके कारण होता है इथाइलिन के कारण होता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फीमेल फेस इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डीनेवलिंग बोलते हैं। उसके बाद है रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड सकर्स डन वंस इन 45 डेज ऑफ प्लांटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डीसकरिंग। उसके बाद है टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो इसको किसके लिए डिटेक्शन भी होता है बंचीट ऑफ वायरस। अब कुछ अदर फ्रूट्स के बारे में वो लाइनर जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेते हैं। विच क्रॉप इज कॉमनली नोन एज सिंगल सीडेड नट, तो हम लोग सिंगल सीडेड नट किसको बोलते हैं लीची को। उसके बाद लीची इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, तो एयर लेयरिंग और सीड्स कैसे होता है। नेक्स्ट है रेड पिगमेंट इन लीची इज ड्यू टू, तो रेड पिगमेंट जो लीची में होता है किसके कारण होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। सपोता इज अ ग्रोन इन, तो किसमें होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। उसके बाद कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ सपोता, तो इन आर्चिंग होता है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वेरायटी ऑफ सपोता, मोस्ट पॉपुलर वेरायटी ऑफ सपोता क्या क्या हो जाएगा कली पट्टी पीली पट्टी ओवल क्रिकेट बॉल छतरी बरहमसी। नेक्स्ट है CO1 इज अ क्रॉस ऑफ, तो CO1 किसका क्रॉस है क्रॉस क्रिकेट बॉल इंटू ओवल का। उसके बाद है बोटेनिकल नेम ऑफ मनी जैक, इसका क्या है ऑटोकार्पस हेट्रोफाइलस। नेक्स्ट है जैक फ्रूट इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, तो किसके कारण है प्रोपगेट होता है किसके थ्रू, तो एयर लेयरिंग। उसके बाद द पॉपुलर वेरायटी ऑफ जैक फ्रूट, तो ये क्या हो जाएगा चंपा रुद्राक्षी सिंगापुर। नेक्स्ट है आंवला इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, तो इन आर्चिंग से ये प्रोपगेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं द पॉपुलर वेराइटीज ऑफ आंवला बनारसी कृष्णा चकिया हाथी झूल कंचन NA79। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ आंवला, तो मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ आंवला क्या होता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। अब देखते हैं बेर इज कॉमनली नोन एज, तो जैसा कि जानते हैं आपने पढ़ा भी होगा बेर पूरा मैन का फ्रूट बोला जाता है किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स है। द कमर्शियली कल्टिवेटेड वेरायटी ऑफ बेर, तो कमर्शियली कल्टिवेटेड वेरायटी ऑफ बेर क्या है उमराव। उसके बाद अर्ली वेरायटी ऑफ बेर सेब। बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर एंड ऑफ मई टू मिड जून। बेर फ्रूट्स आर मैच्योर्ड एट तो 5 to 6 months आफ्टर फ्लावरिंग। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 तो क्या हो जाएगा बेल। उसके बाद है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन बेल, तो इसको क्या बोलते हैं मार्मेलोसिन। नेक्स्ट है द मोस्ट आइडियल स्टेज ऑफ बेल फॉर मेकिंग प्रिजर्व, तो जो प्रिजर्वेशन बनाने का काम होता है वो सबसे आइडियल स्टेज कौन सा होता है बेल का होता है मैच्योर ग्रीन स्टेज। उसके बाद पारस इज अ वेरायटी ऑफ, पारस किसका वेरायटी है जामुन का। नेक्स्ट देखते हैं सीडलेस वेरायटी ऑफ जामुन इज तो नरेंद्र जामुन 6। नेक्स्ट है द कमर्शियली प्रोपगेशन मेथड ऑफ पाइनएप्पल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सकर्स एंड स्लिप्स। अब आगे देखते हैं हम लोग सिंगापुर मॉरिशस एंड जायंट क्यू आर द वेराइटीज ऑफ, किसका वेराइटी है पाइनएप्पल। नेक्स्ट द एंजाइम कंटेंट्स इन पाइनएप्पल फ्रूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोमेलिन। द केमिकल यूज फॉर इंड्यूसिंग फ्लावर इन पाइनएप्पल, तो इथरेल और NA होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वीन ऑफ टेम्परेट फ्रूट क्या है एप्पल। एप्पल बॉल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश बोलते हैं एप्पल बॉल ऑफ इंडिया को। एप्पल इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, तो क्या बोलता है टंग ग्राफ्टिंग एंड विप बडिंग। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, तो जो एप्पल का रेडनेस होता है वो क्या होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद है डिलीशियस रोम ब्यूटी एंड पर्लिंस ब्यूटी आर, तो लेट मैच्योरिंग एप्पल है।
डायप्लॉयड वेराइटी ऑफ एप्पल्स आर तो सेल्फ फर्टाइल है। उसके बाद यूजली एप्पल इज ग्रेडेड ऑन, तो साइज पे ग्रेड होता है। उसके बाद डिसकलरेशन ऑफ एप्पल आफ्टर कटिंग इज ड्यू टू तो इंजाइम्स के कारण, जो आप देखेंगे एप्पल का काटते होंगे कुछ देर बाद वो डिसकलर हो जाता है, तो किसके कारण होता है, इंजाइम्स के कारण ये सब होता है। उसके बाद है कमर्शियली प्रोपगेटेड मेथड ऑफ ग्रेप वाइन, तो क्या है, हार्डवुड कटिंग। नेक्स्ट देखते हैं अर्का हंस इज अ क्रॉस ऑफ, तो क्या है, बेंगलोर ब्लू इंटू अनाबे शाही। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप वाइन इन इंडिया, क्या हो जाएगा, बोअर सिस्टम, विच इज यूज फॉर इम्प्रूविंग फ्रूट क्वालिटी ऑफ ग्रेप, तो क्या हो जाएगा, 20 PPM GA। नेक्स्ट देखते हैं विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज कल्प वृक्षक, तो इसको किसको बोलते हैं, कोकोनट। उसके बाद है कैसियो नट एंड आलमंड आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, तो इसको क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट का है। उसके बाद रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन क्या है, करौंदा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन, हम लोग कुछ इस पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर किए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर आप सिट्रस फ्रूट देख लो, मैंगो देख लो, गुआवा देख लो, लीची देख लो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं। तो दोस्तों ये सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।